हूँ, राजस्थान की स्टोरी है। हाँ अच्छा। एक बड़े सेठ की डेथ हो जाती है, उनके उनके पास 19 ऊंट होते हैं, 19 ऊंट। हाँ, और डेथ हो जाती है, जब वसीयत खोली जाती है ना, तो उसके अंदर से लिखा होता है कि आधे ऊंट मेरे लड़के को दे देना। अच्छा, आधे ऊंट मेरे लड़के को दे देना, 1/4 मेरी बेटी को दे देना। अच्छा अच्छा। और 1/5 मेरे जो मेरी जिसने सेवा की है ना उसको दे देना। अब सबने वसीयत खोली, यार इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है तो पागल निकला भाई, 19 ऊंट का आधा कैसे किया जाए? एक ऊंट को मारना पड़ेगा, 9.5-9.5 हो नहीं सकता। अब वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 1/5 भी करने जावे तो 4.5-4.5 के वापिस ऊंट मारना पड़े। अब करना क्या, उनसे रहा नहीं गया, यार करना क्या। तो कोई उनको याद आया कि मेरे बापू का एक बहुत शानदार और बहुत इंटेलिजेंट दोस्त है। ओके। उस दोस्त को याद किया गया कि अब आपको आना पड़ेगा। वो आए, वो ऊंट पे आए। अच्छा। आए और बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आपस में लड़ो मत, मेरा ऊंट भी तुम्हारे। तो 19 का क्या किया, 20 का, तो 20 का आधा दे दिया, 10 लड़के को फ्री किया, 1/4 5 दिया बेटे को, वो फ्री हुआ, 5वां हिस्सा 4 उसको दिया फ्री, और अपना ऊंट वापस ले लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में है ना, अक्ल किसके बाप की। जिंदगी में है ना, क्या जो होते हैं ना, प्राणेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अच्छा प्राण, ये सब 19 है, पर इन सबको सुकून के लिए साथ में दोस्त चाहिए। क्या बात है ना, जिंदगी जीनी है ना, जिंदगी जीनी है तो साथ में बढ़िया से बढ़िया दोस्त रखो और जिंदगी को निकालो। बहुत अच्छा।